बाबा नमस्कार। नमस्कार भैया। बाबा आपका नाम जो है? राजेंद्र कुमार वाजपेयी। और बाबा इस कौन सी जगह पे हैं, ये कौन सा स्थान है? ये हासापुर। हासापुर जी हाँ। और कौन सा ब्लॉक है? पलनी। पलनी जी हाँ। आजमगढ़ जी हाँ। यहाँ से नदी कितनी दूर है? यहाँ से नदी एक किलोमीटर से कम में होगा। माँ तमसा नदी है। जी हाँ। तो बाबा आपकी उम्र कितनी है? लगभग 80। 80 जी हाँ। तो आपके नाती पोते की उम्र कितनी होगी अभी? वो नाती पोता तो नाती हो तो हमारे कम से कम 35-40 के लगभग हो गए होंगे। उनके भी बच्चे हो गए होंगे जी हाँ। मतलब चौथी पुश्त आपके आपके सामने है। जी हाँ। तो मुझे बताएं कि इस नदी में आप क्योंकि बचपन से खेले होंगे जी हाँ, तब आपको याद हो तो बताएं कैसी जिंदगी थी यहाँ पे नदी के आसपास? बहुत बढ़िया। आपकी कल्पना में पहले गांव कैसा था यहाँ पे? पहले तो बहुत अच्छा था। मतलब मकान कैसे थे यहाँ पे? तो खपड़ीला मकान थे सब, कच्चा। अच्छा। मकान हाँ हाँ। और कौन कौन से जानवर थे यहाँ पे? जानवर गाय भैंस बैल। आपसे जो बोलेंगे ना तो बोलिएगा, इनको बोलने दीजिएगा ना, डिस्टर्ब ना करिएगा जी। जी हाँ यही सब थे। अच्छा तो पहले यहाँ पे पेड़ पौधे कैसे थे? पेड़ पौधे तो बहुत थे यहाँ, छांव रहती थी। हाँ अच्छा। ठंडा रहता था गर्मी में? खूब ठंडा रहता था। अभी जितनी गर्मी उतनी गर्मी रहती थी? गर्मी रहती थी लेकिन वो यहाँ से वहाँ तक कम से कम नहीं तो 10 बीघे का बगीचा था यहाँ पर। हाँ। ये दक्षिण साइड में, यहाँ भी हमारा 10 बीघे का इस साइड में। हाँ पूरब साइड में। हाँ, नदी किनारे काली जी के स्थान नदी। हाँ। के बगल में। हाँ। और दक्षिण साइड में देखिए यहाँ पर भी बगीचा हम लोगों का था, डेढ़ एकड़ का हमारा। कृपा को मिला के ये कौन इस बगीचे में कौन कौन से पेड़ थे? आम ज्यादातर आम थे, ये इंसान ने लगाए थे। हाँ। और जो प्राकृतिक रूप से थे जंगली पेड़? जंगली में जंगली तो वहाँ कुछ नहीं था उस समय, महुआ वगैरह है लगा था। हाँ। अभी पुरखा पुरनिया लगाए होंगे। हाँ। एक बर का पेड़ है। किसका? बर। अच्छा। हाँ बर का तो पहले लगते थे खूब पेड़ है। हाँ अच्छा। अरे हम लोग राजा थे उस समय, हमारा गांव थोड़ा राजा था उस समय आम। हाँ। के मामले में, कटहल के मामले में। कटहल के? जी हाँ, हाँ। हमारे यहाँ से लोग दिखने को नहीं मिलते जी अभी कटहल के पेड़। अरे अब तो चीखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा। हाँ आम भी खत्म हो गया सब, यह तूफान उफान में सब गिर गया और नदी में बाढ़ आ गई थी 55 में। हाँ। उसमें सब पेड़ यहाँ का गिर गया। हाँ। एक एकड़ का बगीचा हमारा उधर था खोजापुर घाट के बगल में। हाँ। वहाँ भी था। अच्छा। फिर उसके बगल में भी था, मतलब हम लोग आम से महुआ आम वगैरह से एकदम आजाद थे। अच्छा। दूसरे लोग हम लोगों से मांग के लेके जाते थे खाने। हाँ। के लिए। हाँ। आज वो नतीजा हो गया है। हाँ। कि हम लोग तरस रहे हैं। अच्छा। तो जब ये कच्चे मकान थे यहाँ पे? जी हाँ। और यहाँ पे पशुधन था, तो पशुधन में घरों में कौन सी गाय थी? गाय का नाम पता है? देसी गाय। देसी गाय। हाँ। तो वो कैसी दिखती थी? बहुत बढ़िया। नहीं नहीं उसका अगर उसको आप बताएं कि मैं कैसे देख पाऊंगा, उसका संरचना बताइएगा। छोटी थी? नहीं छोटी भी थी बड़ी भी थी। अच्छा। हाँ। और दिल था उसका? दिल था हरियाणा वाली। हाँ। एक बार लर था बहुत हल्का। कितना दूध देती थी वो? हम तो लाए थे भैया दूध हमारे यहाँ कम से कम 5 लीटर उस समय देती थी देसी गाय। अच्छा। हाँ। और सर गोबर कैसा होता था? ठोस होता था। और उसमें चिपचिपी लेयर होती थी? नहीं, चिपचिपा लेयर टाइप होता है? नहीं थी। तो आजकल के जैसे जानवर है वो गीला गोबर करते? हाँ गीला कर दो, वैसे जैसे खान पान आजकल का है। हाँ। उसे वो अपना कर रहे हैं आजकल, खाली ये राशन ही खिला रहे हैं ज़्यादा। पहले राशन नहीं खिलाते थे ज़्यादा, हल्का फुल्का। अच्छा। आजकल वही जितना खिलाएंगे उतना हम दूहेंगे। अच्छा। ये समस्या हो गई है। तो कैसे आप... जर्सी गाय हो गई है ना। हाँ। हाँ। तब आपके दोस्त लोग इस गांव में थे? हाँ? आपके दोस्त सब दोस्त थे। हाँ। तो वो सब लोग कितने दोस्त थे आपके संग, कितने ग्रुप थे? एक ग्रुप होता था ना। हाँ। तो डेली सुबह शाम मिलते होंगे, कहाँ मिलते थे आप लोग? हम नदी किनारे बगीचे में। बगीचे में? हाँ। अब वो बगीचा भी है?
बगीचा तो सब कट गया है, थोड़ा बड़ा रहा। वहाँ पे कोई पेड़ है जहाँ पे? हाँ अभी पेड़ है, नया लगा है। जहाँ बैठते थे वो पेड़ है? नहीं पेड़ और अब नहीं। तो जब सारे दोस्त इकट्ठा होते थे कितने दोस्त होते थे? देखिए पहले हम लोग अब इस समय गर्मी की बेला में तो नहीं, जब जब आषाढ़ बरसता था ना हाँ। तो हम लोग जाते थे हाँ। तो हमारे गांव में हाँ। कम से कम नहीं तो 8, 4, 12 अरे करीब 20 थे जो नौकर अब हर बार आते थे। 20 नौकर होते थे? हाँ, हाँ। और हम लोग वहाँ पहुँचते थे आषाढ़ में हाँ। आषाढ़ से शुरू हो जाता था कबड्डी। हाँ, कबड्डी खेलते थे? कबड्डी खेलते थे हाँ। उड्डी कूदते थे। उड्डी क्या होता है भाई? जंप लगा के नहीं कूदते हैं? अच्छा अच्छा हाँ, उड्डी, हाँ, हाँ, ठीक है। ये करते थे, वहाँ कसरत भी करते थे। कसरत कौन सी करते थे? दंड बैठक करते थे। अच्छा, सपाट खींचते थे हाँ, दौड़ते थे वहाँ और क्या बोलते हैं कुश्ती हाँ, आपस में जो रहते थे हाँ, हम लोग माने हम जोली के लोग हाँ, वहाँ कुश्ती भी लड़ते थे हाँ, हाँ। अच्छा, ये था पहले। तो कैसा होता था कभी कभी बातें होती थी तो क्या टॉपिक पे ज्यादा झगड़ा होता था जब आप बातचीत करते थे ना दोस्तों पहले, में? पहले भैया झगड़ा का नाम नहीं होता, नहीं होता था, था। नहीं, प्रेम व्यवहार ज्यादा था। प्रेम व्यवहार? जी हाँ, हर हर आदमी सुख दुख में बैठ। जी हाँ। आपके कितने दोस्त अभी आपके साथ इस गांव में मौजूद है? कोई दोस्त है यहाँ पे इस वक्त? कोई नहीं है, सब निकल गए? सब निकल गए, सब स्वर्गवास हो गए। क्या उम्र में हुआ होगा औसत? अरे कोई 50 में गया है, कोई 40 में गया है हाँ। ऐसे ऐसे लोग। कितने लोग प्राकृतिक मृत्यु पाए हैं, मतलब आराम से नेचुरल डेथ हुआ है उनका? प्राकृतिक मृत्यु हुई है उनकी? प्राकृतिक मृत्यु तो सबकी हुई है कभी नहीं, प्राकृतिक मतलब कोई बीमारी की वजह से हुई है कि एक्सीडेंट? नहीं एक्सीडेंट नहीं, ऐसे हाँ, ही सब गए हैं सोते सोते हाँ। 50 में? हाँ तो कोई बीमारी उमारी नहीं हुई थी, ऐसे चले गए? बीमारी नीनक के साथ लकवा मार दिया था, एक मुसलमान था उनको लकवा मार दिया था। अच्छा, वो लकवा के बाद कुछ दिन झेले हाँ, फिर ठीक हो गए। कितनी जनसंख्या थी उस टाइम गांव में? उस टाइम उस समय मैंने अभी समय तक जनसंख्या हम क्या बताऊंगा आप, फिर भी कम घर थे ना? हाँ हाँ, घर ज्यादा हो गए। अरे घर तो मैंने पहले तो 4-5 घर था यहाँ। 4-5 घर था? जी हाँ, यही बस पूछ रहे थे। अब कितने घर हैं? अरे अब तो एक परिवार में अब 12 घर एक परिवार में हो गया है। यहाँ हमारे यहाँ भी 7-8 हो गया है, तिवारी जी के यहाँ है उनके यहाँ भी 4 घर हो गया एक घर से। अच्छा, ये बढ़ई है दुनिया है, मैंने एक घर से 10 घर, एक घर से 8 घर, 5 घर ऐसे हो गया है सब। अच्छा, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जी हाँ। अच्छा, तो उस टाइम जो खेत में आप लोग खेती करते थे? जी हाँ। तो क्या क्या उपज होती थी उस समय? धान होता था, गेहूं होता था, जौ होता था, चना, मटर, मसूर, सरसों, अरहर, गन्ना, अच्छी फसल यहाँ होती थी। अच्छा, जी हाँ। तो गन्ने का जो गुड़ आप लोग अभी बनाते हैं, पहले के गुड़ में ज्यादा स्वाद था कि आज के गुड़ में ज्यादा? पहले के गुड़ में अच्छा स्वाद था। अच्छा हाँ। और खेत में क्या क्या डालते थे उर्वरक में? जो बहुत अगर कुछ हो तो उस समय अमोनियम सल्फेट चलता था हाँ। खाद में अमोनियम सल्फेट, तब हाँ। ये डाई वगैरह नहीं था। अच्छा जी हाँ, तब यही यूरिया वगैरह नहीं था? नहीं तब नहीं था ये। तो क्या डालते थे उसके वजह में? वो उसके वजह में यही जो गोबर का खाद है यही। अच्छा, और खेती ज्यादातर लोग हल से करते थे? जी हाँ, हम लोग खुदे हल जोतते हैं।